तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कार सिलेक्टर्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे एमजी ग्लोस्टर के बारे में। एमजी ग्लोस्टर को अभी 3 से 4 दिन ही हुए हैं लॉन्च की को, बाकी बहुत ही अच्छी प्राइजेज में आई है ये। थोड़े से इसके प्राइजेज तो ज़्यादा है, पर इसमें आपको फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो इसके आपको फ्रंट में ग्रिल मिल जाती है बहुत सुंदर, जिसके ऊपर आपको एमजी का लोगो मिल जाता है। बाकी इसमें आपको एलईडी लैंप्स मिलते हैं, नीचे की तरफ आपको प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं, बाकी आपको स्किड प्लेट्स वगैरह मिल जाती हैं। बहुत ही सुंदर कार है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड वगैरह में इसके बहुत ही अच्छा क्रोम वर्क हुआ हुआ है। बाकी साइड ग्लैडर भी मिल जाता है क्योंकि कार की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर कार के अंदर बैठने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाकी इसमें आपको 17 इंचिस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। बाकी आप रूफ़ देख सकते हैं, इसकी रूफ़ रेल्स मिलती हैं आपको इसमें बहुत अच्छी। बाकी वीडियो में इंजन ऑप्शंस और प्राइजेस की भी बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहें। बाकी कार बहुत ही सुंदर है, साइड लुक आप देख सकते हैं, फ्रंट से भी बहुत सुंदर है। अगर हम इसके इंजन ऑप्शंस की बात करें, इसमें आपको 2000 cc का डीजल इंजन मिलता है। इसमें आपको पेट्रोल इंजन की कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलते, इसमें सिर्फ आपको डीजल इंजन मिलता है, वो भी सिर्फ ऑटोमेटिक में। इसमें आपको पेट्रोल भी नहीं मिलता और ना ही मैनुअल मिलता है, सिर्फ ऑटोमेटिक में डीजल इंजन मिलता है, वो भी 2000 cc का, जो कि बहुत ही अच्छा इंजन है। एमजी की हेक्टर में भी आपको वही इंजन मिलता है। आप कमेंट कर दीजिए मुझे अगर आपने इन दोनों कारों का कंपैरिजन देखना है, एमजी हेक्टर और एमजी ग्लोस्टर का, तो मैं उसका कंपैरिजन भी बना दूंगा। बाकी हम अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर देखते हैं इसका। इंटीरियर इसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर मिल जाता है आपको, बीच में आपको स्क्रीन मिल जाती है बहुत ही बड़ी, एमजी हेक्टर जैसी स्क्रीन ही है, बस उसकी नीचे की तरफ है और इसकी हॉरिजॉन्टल में लगी हुई है, उसकी वर्टिकल में लगी हुई है सीट। देख सकते हैं आप फोटो में कितना अच्छा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है। बाकी बहुत ही सुंदर इंटीरियर आ जाता है इसका, ड्यूल टोन इंटीरियर आता है, जिसमें कि आपको एक तो कलर मिलेगा जो आपको सीट्स वगैरह पर मिल जाएगा सारा, और एक आपको ब्लैक कलर मिलेगा। बहुत ही सुंदर इंटीरियर है। बाकी बहुत अच्छे अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं इसमें आपको। इसमें आपको इंटीरियर में 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो 7 सीटर का और एक 6 सीटर का, जिसमें कि पीछे की तरफ 2 सीट्स होती हैं और उसके पीछे 2 सीट्स, और 7 सीटर में पीछे की तरफ 3 सीट्स और उसके पीछे 2 सीट्स। तो बहुत ही सुंदर कार है ये। बाकी अगर हम इसकी प्राइजेस की बात करें तो इसकी इंडिया में प्राइजेस 28.96 लाख टू 35.36 लाख तक आई हैं, जो कि थोड़ी सी तो ज़्यादा है। बाकी इसमें आपको फीचर्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, ये एक परफेक्ट SUV में आ जाती है, जैसे कि आपको फॉर्च्यूनर वगैरह मिलती है। बाकी आपको इन दोनों कारों का अगर कंपैरिजन चाहिए MG ग्लोस्टर और MG हेक्टर का, तो मेरे को कमेंट ज़रूर कर दें। कार बहुत ही सुंदर है जैसा कि आप देख सकते हैं, ओवरऑल लुक्स तो इसके बहुत अच्छे हैं, बाकी इंजन ऑप्शंस भी अच्छे हैं। प्राइजेस इसकी थोड़ी सी ओवर लगी है मेरे को, इसकी प्राइजेस आपको 20 से 25 लाख के बीच में मिलनी चाहिए थी, तभी ये अपने वेरिएंट में बहुत अच्छी बन जाती। बाकी चलो, MG ने जो भी सोचा बढ़िया ही सोचा होगा। आज की वीडियो में तो इतना ही, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी बेल आइकन को दबा लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो ना मिस कर पाएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।